त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है चुगद। ओ भाई गाली नहीं दे रहा मैं, ये गाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, यानी दिल्ली भाषा में कहते हैं। इस एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है त्रिभुवन मिश्रा से, जो जाते हैं बैंक के पास और वो कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस बैंक के मैनेजर को बुला रहे होते हैं बाहर। उस बैंक का मैनेजर आए और उनसे बात करे। बैंक का मैनेजर आता है और कहता है कि एक बंदा लोन लेके भाग गया है, जिस कारण बैंक दिवालिया हो गया है और इसलिए ये बैंक बंद हो चुका है। अब आप एक महीने में सिर्फ 5,000 रुपए निकाल सकते हैं। एंड त्रिभुवन मिश्रा बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट उस बैंक के गार्ड जो है लोगों को मारने लग जाते हैं, जिस कारण त्रिभुवन मिश्रा को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। एंड जब वो ऑफिस आते हैं तो उनके बॉस से भी उनको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। साथ ही मतलब पार्टनर है जो इनके साथ काम करती है, वो उनका नाम ललिता है एंड ये बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है। अब वो पूछती है कि कुछ हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा ना, किसी ने तो देखा होगा ना, कोई तो गवाही देगा आपके खिलाफ, आप कोर्ट में जाइए। लेकिन त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये लोगों को देखिए कौन खड़ा होगा मेरे साथ। और वो अपने ऑफिस वालों को दिखा के कहते हैं और कहते हैं कि इन्होंने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है, क्योंकि ये लोग मेरी तरह बेवकूफ नहीं है ना। अब होता यह है, मिश्रा जी के पास फोन आता है स्कूल से कि उनके बच्चों ने फाइटिंग की है। एंड जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी ने एक लड़के का कान काट लिया है। ये वही लड़का है जो बस में परेशान करता रहता है मिश्रा जी के बच्चों को, और इस वजह से जो मिश्रा जी हैं वो खून देख के बेहोश हो जाते हैं। इनका खून से बीपी डाउन हो जाता है, इस वजह से इनको चक्कर भी आ जाते हैं। अब इनके बच्चे बोलते हैं हमने मना किया था ना, आप पापा को मत बुलाइए। एंड देन जब इनको होश आता है तो प्रिंसिपल बोलती है कि आपके बच्चों ने देखिए ये क्या किया, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ ये सब नहीं चलता। एंड मिश्रा अपने ही बच्चों से सॉरी बुलवाते हैं। एंड इनके बच्चे बोलते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पापा नहीं हो, आप बहुत बेकार हो और आप हर बार दूसरों की साइड लेते हो, हमारी नहीं। इसके बाद होता यह है मिश्रा जी अपने बीवी को फोन करते हैं। अब ये बोलते हैं कि पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है पर मैं जल्दी ही कर लूंगा। अब इनकी बीवी बोलती है कि एक काम कीजिए, आप है ना साले से पैसा मांग लीजिए। त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं हम पैसा नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती होगी और जीजा सालों को पालते हैं, साले जीजा को नहीं। एंड इसके बाद वो कहते हैं मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और माँ बाबू जी का भी फोन आया था। इधर होता यह है त्रिभुवन मिश्रा सोच रहे होते हैं अपनी फैमिली के बारे में कि इनके बच्चे जो है स्कूल से निकल जाएंगे क्योंकि इन्होंने फीस भी नहीं भरी है और प्रिंसिपल इनको झाड़ देती है। इनके माँ बाप रो रहे हैं कि हमारे घर पे बेइज्जती हो गई, हमारा घर भी नहीं बना। एंड सोचते सोचते इनको दिखाई देता है फांसी का फंदा। एंड तभी इनकी गाड़ी जो है वहीं रुक जाती है। एंड इसके बाद वो बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। इधर कहानी शिफ्ट हो जाती है हमारे टीकाराम जैन पे। वो एक आदमी को भगा रहे होते हैं बहुत बुरी तरह और फिर वो भागते भागते पहुंच जाता है टीकाराम के पास। इधर इनके गुंडे जो है उसको चेज कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, और तभी वहां पे दूसरी पार्टी के भी गुंडे आ जाते हैं और इस गुंडे का नाम है एहसान भाई। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एंड तभी वहां पे गोलीबारी चालू हो जाती है। इसके बाद टीकाराम जैन जो है जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको फोन लगाते हैं और कहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट दो आदमी को कैसे दे दिया। अब होता यह है उसका पति बोलता है मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मेरी पत्नी ने एहसान भाई को। इधर होता यह है ये लोग कॉल पे कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं एंड टीकाराम कहते हैं कि देखो ये हमारी पकड़ है, इसे हम ही पकड़ेंगे और हम ही पैसे लूटेंगे, तो तुम बीच में ना आओ। लेकिन एहसान बोलता है देखो जो पहले पकड़ेगा उसका ये बंदा। एंड फिर वो बंदा वापस भागने लग जाता है एंड के गुंडे जो है वापस पकड़ने लग जाते हैं। टीकाराम के जो गुंडे हैं वो पकड़ ही रहे होते हैं, तभी एहसान भाई के गुंडे जो है वो लप्पू को लंगड़ा कह देते हैं, भेंचा है, वो गुस्सा हो जाता है और एहसान भाई के गुंडों के पांव तोड़ देता है, जिस वजह से वो कहता है मेरे दोस्त को लंगड़ा मत कहना। एंड ये लोग पकड़ लेते हैं उस आदमी को और फिर एहसान भाई के हाथ कुछ नहीं लगता। टीकाराम कहता है देखो यहां पे एक ही किंग है, वो मैं हूं और एक ही इक्का दौड़ेगा इस शहर में, तो भैया आप निकल जाओ यहां से। एंड फिर वो मुंह लटका के चला जाता है। इधर होता यह है सोच रहे हैं त्रिभुवन मिश्रा की अब मैं क्या करूं, तभी वो जाता है अंसल साहब के पास। अंसल साहब जो हैं ये बहुत बड़े बिल्डर हैं और ये साइन करवाना चाहते हैं त्रिभुवन मिश्रा से ताकि इनका जो कंस्ट्रक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो पास हो सके एंड ये बिल्डिंग बना सके। इसके लिए वो 20 लाख ऑफर करते हैं त्रिभुवन मिश्रा को, लेकिन त्रिभुवन मिश्रा बोलते हैं मेरे को तो सिर्फ 4 लाख ही चाहिए, आप 4 लाख ही दे दीजिए। एंड देन 4 लाख में ये डील डन कर देते हैं। तभी होता है त्रिभुवन मिश्रा को सपना आता है कि जो बिल्डिंग अंसल बना रहा है वो गिर चुकी है एंड फिर बहुत नाम बदनाम हो रहा है त्रिभुवन मिश्रा का एंड इनका सपना जो है वो टूट जाता है। ये सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं एंड वो जो पैसे होते हैं सब कुछ खर्च हो गए होते हैं क्योंकि बच्चों की फीस भी भर दी गई होती है। ये पैसे घर भेज देते हैं तो इनके माँ बाबू जी जो होते हैं वो पैसा लगा भी देते हैं घर पे।
एंड इसके बाद त्रिभुवन मिश्रा बोलते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, एंड ये वापस जाते हैं अंसल साहब के पास और फाइल आगे कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं ईमानदार आदमी हूं, आप सोचिए वो बिल्डिंग अगर गिर गई तो कितनी बदनामी होगी, कितने लोग मरेंगे, मैं ये पाप अपने सर पर ले नहीं सकता हूं, एंड वो मना कर देते हैं। अंसल साहब को गुस्सा आता है और कहता है कि देखिए साइन तो मैं करवा लूंगा, अब आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। अब त्रिभुवन मिश्रा बोलते हैं देखिए पैसे तो सारे खर्च हो गए लेकिन मैं आपको पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा आपको महीना महीना करके। अंसल साहब को गुस्सा आता है और कहते हैं कि देखो तुम खैरियत चाहते हो तो पैसे जो हैं 5% ब्याज के साथ मुझे अब लौटाओगे महीने महीने किस्त में, और साथ में वो गन भी रख देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बीवी बच्चे जो हैं सबको मैं मार दूंगा। एंड इसके बाद इनका दिमाग जो है वो यहीं खराब हो जाता है। त्रिभुवन मिश्रा के साली को वो एक योगा क्लास जाती है एंड वहां पे एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, इस वजह से वो योगा सीखने आता है। देन कहानी शिफ्ट हो जाती है पार्लर में, जहां पे बिंदी जो है अपना फेशियल और अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाने जाती है एंड वो कहती है कि बिल्कुल फिल्मों वाला हेयर स्टाइल कर दो। इधर होता ये है ढेंचा और लप्पू जो है लड़ रहे होते हैं शाहरुख और सलमान के बीच में, तभी वहां पे जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा होता है वो उठता है और कहता है कि इन दोनों ने अपनी अपनी शुरुआत चीन से की थी एंड आप भी लड़ रहे हो। तब ढेंचा और लप्पू कहते हैं हमारे बीच तो लड़ाई ही नहीं है बे, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद जिस इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस आदमी का वो आ जाते हैं और पता चलता है ये तो इनके चाचा जी है। एंड देन होता ये है टीकाराम जो है उनको चिल्लर के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं और लप्पू जो है उसको 17 के आगे गिनती नहीं आती, इसलिए वो काउंटिंग 17 तक ही करता है और उस काउंटिंग में उन्हें देर लगती है और पैसे गिनने में इतना टाइम इनका वेस्ट होता है, इस वजह से टीकाराम परेशान है। और तभी होता यह है एक नया बंदा हायर करते हैं जिसका नाम पिंकी होता है एंड पिंकी को 17 से आगे तक की गिनती आती है पर ये गुटखा खा के बात करता है। अब बिंदी जो है वो घर आ जाती है एंड टीकाराम जैसे ही बिंदी को देखते हैं हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ निकलना। बिंदी बोलती है हाँ ठीक है मैं आपके साथ नहीं निकलूंगी। इधर ढेंचा जो है अपने भैया को समझाता है कि भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था एंड फिर वो अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है कि भैया जो है वो दिल के बुरे नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। बिंदी बोलती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद होता यह है वो शीशे के सामने जाती है एंड इमेजिन करती है कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है वो भी फिल्मी स्टाइल में एंड फिर वो अपने बाल बिखेर देती है और रोने लग जाती है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है और इसका पति इसको प्यार नहीं करता। अब होता यह है मिश्रा जी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब इसको अंसल के पैसे लौटाने हैं और वो पैसे कैसे लौटाए, फिर वो अपने साले से मजबूरी में पैसे मांग ही लेता है एंड इस वजह से उसका साला जो है वो मना कर देता है पर इसके साले के पास बहुत पैसे होते हैं। एंड देन दिखाया जाता है कि ये लोग जब घर पे आ जाते हैं तो इसका साला बात करता है कि हम पैसे जानबूझ के नहीं देना चाहते थे और इसकी बीवी भी जो है वो भी मना कर देती है। त्रिभुवन मिश्रा जो है वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा होता है एंड इसकी बीवी इसको बहुत खरा खोटी सुना देती है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप में एक तो गुण होता और सब लोग आपको चुगत कहते हैं क्योंकि इतना ईमानदारी भी अच्छी नहीं है, आपने आज रिश्वत ले ली होती तो हम इस हालत में ना होते। इसके बाद होता है त्रिभुवन मिश्रा घर से निकल जाते हैं और कहते हैं कि अब तो कुछ प्रबंध करके ही लौटूंगा एंड फिर वो जाते हैं अपने दोस्तों के पास। इन दोस्तों के पास क्लब है एंड फिर ये दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ है पर वो पैसे मांग नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है एंड फिर उनके दोस्त सोचते हैं कि लगता है भाभी जी आजकल मजे नहीं दे रही हैं एंड इसके बाद वो भेज देते हैं उनको एक लड़की के पास। अब ये लड़की जो है बहुत ज्यादा शानदार होती है एंड त्रिभुवन मिश्रा के पास जाती है पर त्रिभुवन मिश्रा मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं एंड फिर वो लड़की सो जाती है। तब वो कहती है कि अब मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं। तब वो लड़की कहती है कि देखो मेरा पेमेंट हो चुका है और मेरे को सिर्फ 1 घंटे रहना है एंड त्रिभुवन मिश्रा चौंक जाते हैं कि 1 घंटे में कितने पैसे, फिर वो बोलती है 15। तब वो सोचते हैं कि 1500 पर वो बोलती है 1500 नहीं 15,000 और अगर फुल नाइट अगर मैं किसी के साथ रहती हूँ तो 60,000 रुपये मिलते हैं एंड इस वजह से त्रिभुवन मिश्रा का दिमाग घूम जाता है। वो घर पहुँचते हैं एंड चेक करते हैं कि मेल्स भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते एंड फिर बताया जाता है कि हाँ बिल्कुल मेल्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो अपनी एक आईडी बनाते हैं जिसका नाम होता है सीए टॉपर एंड इनकी कहानी अब यहां से स्टार्ट हो जाती है कि ये बनेंगे सर्विस बॉय और ये जो एपिसोड है ये यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है त्रिभुवन मिश्रा कमाल दिखा पाएंगे ये तो बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स में, लेकिन रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आगे, मतलब क्या ही बताऊं आप लोगों को।